नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। हम आज एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं उस फाउंडेशन के प्रांगण में जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हेल्पेज फाउंडेशन, जिसने कई तरह के संकल्प जो है बुजुर्गों के फायदे के लिए और उनके वेलफेयर के लिए उठा रखे हैं। आज उनके जो CEO हैं इंडिया के, मिस्टर रोहित प्रसाद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह के इनिशिएटिव्स जो है उनकी फाउंडेशन हेल्पेज फाउंडेशन फिलहाल लेने जा रही है और ले रही है। धन्यवाद। हेल्पेज इंडिया 1978 से सीनियर सिटीजन्स के हित के लिए काम कर रही है। उनका देखभाल, सम्मान और अधिकार के लिए एक संकल्प है हमारा और हम पूरे देश में उनके देखभाल के लिए काम करते हैं। हमारा मुख्य रूप से दो धारा है हमारे काम का। एक तो जो हम जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, और हमारे देश में आज 14 करोड़ बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनमें से 50% ऐसे हैं जिनके पास पेंशन की सुविधा या इनकम की साधन नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत संकुचित हो जाती है, और साथ साथ उनकी हेल्थ एक्सेस भी बहुत पुअर है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन सफ़र करती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि अपने प्रोग्राम्स के द्वारा हम उन तक पहुँचें। और हमारा हेल्थ में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको हम मोबाइल हेल्थ यूनिट कहते हैं। 170 मोबाइल हेल्थ यूनिट हम पूरे देश में चलाते हैं, दूर दराज इलाकों में चलाते हैं, और जो गरीब बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ परिवार वाले हैं उन तक हम ये प्राइमरी हेल्थ की सुविधा, जो एक फ्री मेडिसिन और कंसल्टेशन की सुविधा है, उन तक पहुँचाते हैं। उसके साथ साथ हम विजन रेस्टोरेशन पे भी काम करते हैं, क्योंकि बहुत बुज़ुर्ग समय के साथ, उम्र के साथ उनकी नज़र कमज़ोर होने लगती है, उनकी इंडिपेंडेंस में कमी आने लगती है, तो कैटरैक्ट सर्जरी और ग्लासेस, सिंपल जो चश्मा हम कहते हैं, वो देने से भी उनकी ज़िंदगी में एक बहुत परिवर्तन आ जाता है। इसके साथ साथ हम जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे बुज़ुर्ग आजकल अबैंडेंड हो जाते हैं, उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं होता है, परिवार वाले कई बार उन्हें छोड़ देते हैं या उनके पास अपनी साधन नहीं होते हैं, तो वो आजकल सीनियर सिटीज़न होम्स में आश्रय लेते हैं। और हम अपना 7 होम चलाते हैं पूरे देश भर में, 2 पंजाब में हैं, गुरदासपुर और पटियाला, और बाकी दूसरे स्टेट्स में हैं। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि उनको एक घर जैसा माहौल मिले और उस घर जैसे माहौल में वो खुश रहें, और परिवार से अलग हैं, समाज से अलग नहीं होने चाहिए, तो समाज के साथ मिल के अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बिताएं। अभी जो सबसे अहम प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है वो एल्डर लाइन का प्रोग्राम है। ये एक, जब एल्डर लाइन हम कहते हैं तो ये एक हेल्पलाइन की तरह काम करता है, और ये मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ने शुरू किया था, सभी स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया है, और हेल्पेज इंडिया 8 स्टेट्स में एल्डर लाइन का कार्यक्रम रन करती है। इसके तहत 14567 करके, 14567, मैं दोबारा कहता हूँ, सभी लोग नोट करें इसको, इसके तहत एल्डर लाइन रन करता है, जिसपे बुज़ुर्ग अपनी समस्याओं के लिए, किसी जानकारी के लिए, किसी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। और हेल्पेज एक संस्था है जो आगे है, लेकिन साथ साथ पूरी सरकार की पूरी जो व्यवस्था है उसके साथ मिल के जहाँ तक संभव है उनको मदद पहुँचाई जाती है। इसी तरह से गांव में, अगर ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं, गांव में अगर आप देखें तो गांव में जो युवा हैं वो शहर आ जाते हैं और अपना उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं गांव में और मार्जिनलाइज हो जाते हैं, उनके पास कोई इनकम की साधन नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी बसर करने में बहुत मुश्किलें उनको आती हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिनको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सेवी संस्था, आप स्वयं से अपने आप को वो जोड़, दूसरों से जोड़ते हैं और एक संस्था बनाते हैं जिसके तहत वो मिलके कुछ अपनी जीवन को और बेहतर बनाने में खुद आगे आते हैं और हेल्पेज उनके साथ जुड़ के उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस तरह से पूरे देश में जो हमारा कार्यक्रम है वो करीब 20 लाख लोग तक हम पहुँच पाते हैं सभी की मदद से। आप जो सुन रहे हैं, कई लोग हमें डोनेशन के द्वारा मदद करते हैं, कॉर्पोरेट समय CSR के द्वारा मदद करते हैं, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं उन तक हम पहुँचें।
इसके दूसरी जो धारा हमारी है वो है कि समाज में हम किस तरह से एल्डर इंक्लूसिव, एज इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाएं, और वो ज़रूरतमंद तक पहुंचने के अलावा कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं, कौन से ऐसे हमारा सोच है वो हम बदलें, और इसमें हमारा जो स्कूल प्रोग्राम है वो सबसे अहम है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने नानी दादा दादी को रिस्पेक्ट जो है वो बना के रखें, और साथ साथ अपने ऐसे वैल्यू से ग्रो करें ताकि वो हमेशा जो अपने आगे चल रहे बुज़ुर्ग हैं उनके रिस्पेक्ट रखें। तो ये हमारा एक कार्यक्रम है स्टूडेंट एक्शन फॉर वैल्यू एडुकेशन सेव, जो हम हर एक स्कूल में ले जाते हैं, स्कूल के जो संस्था के लोग हैं और बच्चों वो उन सबको मिल के हम उनको एक ये कार्यक्रम से कराते हैं। तो वैल्यूज़ और हमारी सोच जो है अगर बदलेगी बुज़ुर्गों की तरफ तो हमारा व्यवहार बदलेगा और हमारी सिस्टम्स जो हैं वो बदलेंगे। तो ये हमारी सर मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया कि बुज़ुर्गों के लिए कोई पेंशन स्कीम्स वगैरह या कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके पास जो है बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं तो कोई सहारा नहीं रहता, फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसे कह सकते हैं, तो उसके लिए आपकी संस्था को क्योंकि सरकार मान्यता प्रदान करती है तो सरकार तक आप जो ये समस्याएं आप रोज़ाना हैंडलिंग में देखते हैं तो क्या ये सरकार तक आप पहुंचाते हैं ये बातें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि एक जो सबसे अहम बात है कि पूरे अपने जीवन में जो लोग समर्पित तरीके से नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं लेकिन जब वो 60 साल के ऊपर पहुँचते हैं और उस समय उनकी अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी डिक्लाइन में हो जाती है और बहुत सारी और जो पेंशन है और कोई इनकम का साधन है वो कम हो जाता है, तो एक समाज का एक दायित्व बनता है कि उनको पेंशन दिया जाए। सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत ओल्ड एज पेंशन पूरे देश में जो गरीब हैं उन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है कि जो अमाउंट है वो बहुत कम है। केंद्रीय सरकार ने 14 साल पहले 200 रुपये का अपना नियम किया था और कहा था कि दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स अब इसमें जोड़ें और उनको और पेंशन की मात्रा बढ़ाएं। वो 200 रुपये पिछले 14 साल से 200 रुपये ही है, लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से अमाउंट बढ़ाया है। पंजाब सरकार में अभी 1500 रुपये है, लेकिन बहुत सारे कुछ स्टेट्स ने 2500 से 3000 रुपये रखा है, लेकिन आम तौर पे देखें तो पूरे देश में जो गरीब प्रदेश हैं, जो रिलेटिवली लेस वेल ऑफ स्टेट्स हैं, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, इन सभी में 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो आप सोचिए कि कोई बुज़ुर्ग 500 से 1000 या 1500 रुपये में अपनी जीवन को कैसे पूरे महीने में कैसे बिता सकता है। तो हमारी मांग सरकार से रही है, हमारी रिक्वेस्ट सरकार से रही है कि कम से कम 2000 रुपये हर एक बुज़ुर्ग को ये पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन आज के समय जो लोग एलिजिबल हैं, जो गरीब हैं, उनमें से भी 30% से ज़्यादा को ये अमाउंट मिलता नहीं है, मतलब पेंशन नहीं मिलता है। दूसरा है एक्सेस का मुद्दा है कि अगर पेंशन है भी तो जितने लोग एलिजिबल हैं उनको ये अमाउंट मिल नहीं रहा है, तो हमें किस तरह से वो जो व्यवस्था है लेकिन व्यवस्था से वो जुड़ नहीं रहे हैं, तो इसके लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं, ये बात सरकार तक पहुँचाते हैं कि चाहे वो आधार की बात हो चाहे दूसरी बात हो, हम किस तरह से लिंकेजेस बनाएं ताकि जो लोग बुज़ुर्ग जो अमाउंट कम हो लेकिन अभी जो एलिजिबल है उसमें मिले। तो ये हमारी पूरे देश में ये हैं, एक मुहिम चलाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स पे भी हम इस बात सरकार के सामने रखते हैं, उनके सामने हम अपनी सबमिशंस रखते हैं। हमें ये आशा है कि सरकार इस अमाउंट को बढ़ाएगी, उसको इन्फ्लेशन से लिंक करेगी ताकि वो अमाउंट आगे भी बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्ग जो एलिजिबल हैं उन तक ये अमाउंट पहुँचे। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, वो ये है कि रूटीन लाइफ में क्योंकि आप जो है बुज़ुर्गों के साथ भी रहते हैं, किस तरह की कन्फ्रंटेशन जो है यंग पीढ़ी के साथ जो है फील करते हैं वो, ये दिक्कतें उनको आ रही हैं? ये बहुत आपने जो सवाल पूछा है वो आज का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि युवा देश है, और लेकिन ये भी हम ना भूलें कि हमारा देश में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट एल्डरली पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड भी है। तो एक तरह से हम युवा पीढ़ी हमारे यहाँ डोमिनेंट है और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान भी, तो ये जो पीढ़ी की बात है वो इसमें सबसे अहम बात यह है कि
ये हमारी समाज की एक दायित्व है। ये सही बात है कि समाज बदल रहा है, लेकिन हमारा भारत देश, हमारी संस्कृति और सोच, बुज़ुर्गों की तरफ जो रिस्पेक्ट है उसके लिए हमेशा से जाना गया है। बुज़ुर्ग हमें हमेशा हमारे मेन स्ट्रीम में रहे हैं, घर के बीच में रहते थे और पूरे घर को बनाने में, संवारने में वो मदद करते थे और आगे भी जो दूसरी पीढ़ी आके उनको रिस्पेक्ट देती थी। लेकिन समय के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम बदल रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं और कुछ हमारी सोच में भी बदलाव आ रहा है। तो ये जो पीढ़ी, दो पीढ़ी की जो अगर हम देखें कि इसके बीच में जो गैप है, वो गैप कई कारणों से हो रहा होगा, लेकिन हमें समाज को ये रिकग्नाइज करते हुए आगे आके इस गैप को जो कम करना है। और इस गैप को कम करने में परिवार का भी हाथ है, समाज का भी हाथ है और सरकार का भी हाथ है। तो जब हम कहते हैं कि सरकार अगर पेंशन को देती है तो परिवार में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, वो एक लाइबिलिटी की तरह नज़र नहीं आएंगे, उनकी भी अपनी एक पहचान बनी रहेगी। तो ये ज़रूरी है कि सरकार भी इसमें पहल करे। समाज को हम कहते हैं पहल इसलिए करे क्योंकि अगर समाज में बुज़ुर्गों के लिए एक इज्जत बनेगी और सरकार, समाज बुज़ुर्गों के हित के लिए और उनकी सोच, उनकी क्या सोच है ये भी समझेगी, तो हम बुज़ुर्ग मेन स्ट्रीम में रहेंगे। और पीढ़ी की जहाँ तक बात है, युवा पीढ़ी जो है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत समझदार भी है। ये भी बात सही है कि वो कुछ युवा जो लोग हैं वो इस बात से, प्रॉपर्टी के मुद्दे से लेके, इकोनॉमिक सिचुएशन से लेके भटक रहे हैं। और हमारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि 15% लोग, बुज़ुर्ग जो हैं वो अब्यूज़ का शिकार हैं। यानी वो अब्यूज़ हम कहते हैं कि घर में अपने जो उनके देखभाल करने वाले हैं वो उस ट्रस्ट को ब्रेक करके अब्यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे दुखद बात है क्योंकि ये हम बाहर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो बेटे हैं, बहू हैं, घर में जो लोग रह रहे हैं वही अब्यूज़ कर रहे हैं। और 60% बुज़ुर्ग से अगर पूछा जाए, बुज़ुर्गों से, तो 60% ऐसे हैं जो मानते हैं कि अब्यूज़ समाज में पूरी व्यापक तरीके से हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, लेकिन इस अब्यूज़ को कम करने के लिए करना क्या होगा, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है। एक जनरल जो परसेप्शन थी कि बेटे जो हैं बुज़ुर्गों को ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपकी स्टडी रिसेंटली आई है जी, तो उसमें ये पता लगा है कि जो दामाद और बेटी है उसके भी बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं। हालांकि बेटियों को जो है अपने माँ बाप के लिए बड़ा सुरक्षित और एक बेटी की तरह माना जाता है कि लड़कियाँ ज़्यादा केयर करती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये समाज में जो बदलाव है उसका एक पहलू था ये, और स्टडी हमें दिखाता है। लेकिन अगर आप हमारी पहले स्टडीज़ को देखें तो ये माना जाता था कि बहुएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा शायद जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर देखा गया कि नहीं, बेटे भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व्ड हैं। और आगे जाके देखा गया कि बेटियां जो एक शायद हमें, हम मानते थे कि बेटी जो है वो हमेशा ही माता पिता के साथ रहेगी, चाहे किसी कोई भी परेशानी हो, परिस्थिति हो, लेकिन उनका भी शेयर हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कि ये बेटा, बेटी और बहू की बात नहीं है, ये एक परिवार के सोच की बात है। और हम ये कहते हैं कि ये भी कहना गलत है कि उनकी मजबूरी है। देर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर अब्यूज़, ये हमारा लाइन होता है कि नो एक्सक्यूज़ फॉर अब्यूज़। अब्यूज़ अगर हो रहा है और परिवार में हो रहा है तो ये उनकी सोच की वजह से है, परिस्थिति की वजह से नहीं है। और सोच में बदलाव लाने के लिए उनको जो हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, ये ग्रैटिट्यूड की भावना कम होते जा रही है। प्रॉपर्टी की बात जो है वो शायद सबसे अहम बात हो गई है अब्यूज़ के मुद्दे के लेके। यानी इकोनॉमिक सिचुएशन अगर किसी की डिपेंडेंट है या उसकी अपनी आस्था है, लेकिन दूसरे की ये है कि वह जल्दी उनको प्रॉपर्टी मिल जाए। और हमारे देश में जो फाइनेंशियल मुद्दे को ज़्यादा अहमियत दिया जाने लगा है, तो ये सोच की बात है। अगर सोच बदलेगी तो व्यवहार बदलेगा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। तो ये हमारे साथ थे हेल्पेज फाउंडेशन के CEO, हिंदुस्तान के CEO रोहित प्रसाद जी, जिनका कहना है कि बुज़ुर्गों के प्रति एक हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हम जो है बुज़ुर्गों की मदद कर सकते हैं और उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी जो है
मुहैया करा सकते हैं। साजिन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।